अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है आलू गोश्त। सबके घरों में बनता है, सबको रेसिपी का पता है, बट ये है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करके बनाएंगे आज। आप प्याज को फ्राई करके भी बना सकते हैं, बट मैं प्याज को फ्राई करके नहीं बना रही। यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली हैं, एक जो है लहसुन की पूरी ये ली है, और हाफ के जी जो है मटन है, ये मटन का गोश्त है। तो आलू गोश्त मैं बनाऊंगी। अभी स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, टमाटर और अदरक और आलू वगैरह ये चीज़ें मैं बाद में डालूंगी जब भुनाई होगी, तो वो चीज़ें मैं उस वक्त दिखाऊंगी आपको। अभी मैं इसको कटिंग वगैरह करके तो प्रेशर में डाल के तो इसको प्रेशर लगाती हूँ। मटन और ये प्याज और लहसुन, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ वाटर। ये मसाले हैं खुश्क मसाले जो मैं इसमें डालूंगी। अगर आप पीस के डालना चाहते हैं मसाले तो वो आप फिर जब प्रेशर हो जाएगा, जब आप भुनाई करेंगे फिर उस वक्त डालेंगे। जो बिल्कुल साबुत मसाले होते हैं वो मैं प्रेशर के वक्त डालती हूँ ताकि अच्छे तरीके से उसका सारा अरोमा डिश के अंदर आ जाए। ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, और ये लौंग है। मैं ये ऐड करूँगी और अब हम प्रेशर ऑन कर देंगे फॉर 15 मिनट्स। अब इसके अंदर हम सब चीज़ें ऐड करेंगे, इसकी मैं अब भुनाई स्टार्ट करूँगी। भुनाई स्टार्ट करने के बाद ऑयल डालेंगे, देन हरी मिर्चें और टमाटर, अदरक, ये सब चीज़ें जाएंगी, और सारे स्पाइसेस। अब मैं इसमें ये अदरक, चाहे तो आप पीस के डाल दें, मैंने जुलियन काटी है, और हरी मिर्चें। हल्दी, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, एंड सॉल्ट, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं इसमें। अब हम इसको मिक्स और इसकी भुनाई करेंगे। सच ऑयल भी डालना है, एंड इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1/4 कप ऑयल जाएगा। अब इसकी भुनाई होगी अच्छे तरीके से 15 मिनट्स के लिए। लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसकी अगर कोई भी स्मेल आती है तो इस स्टेज पे स्मेल ख़त्म होती है। आप इस स्टेज पे खुश्क मसाले जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं, आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी जो इसका गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी मैं इसको पकाऊँगी बहुत ज़्यादा, 10 to 15 मिनट्स। तो मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी, आलू ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। 10 मिनट्स तो इसको लगेंगे भुनाई में अच्छे तरीके से करके। देन मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 3 ग्लास वाटर ऐड करूँगी, फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अच्छा सा मसाला बन गया है इसका, इसका शोरबा भी थिक होगा। टमाटर मैंने डाल दिए थे, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, क्लिप जो छोटा सा था वो स्किप हो गया मुझसे। तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी की वजह से इसका मसाला भी बिल्कुल ठीक और थिक बनेगा, और जितनी देर मैंने भुनाई कर ली है ना, अब इसकी कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर। नाउ आई एम एडिंग वाटर। मैंने अच्छी खासी इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर 2 to 3 ग्लास जो है अब हम इसमें वाटर ऐड करूँगी, फिर ये रिड्यूस होगा, वाटर हाफ रह जाएगा, तो ये शोरबा रेडी हो जाएगा। मैं अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी। अब मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी और इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए हम पकाएँगे लो फ्लेम पर।
आलू गोश्त रेडी हो गया है। अब ये डन है रेसिपी है। मैं इसके अंदर हरा धनिया डालती हूँ, ये हरा धनिया है, और मेरी मैं डिश आउट करती हूँ और ये रेसिपी रेडी है।